ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मिन् श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, पर बात अब ये है जो मैं आपको कुछ ना बात नहीं बताता हूँ, और ये बात मैंने कल भी बताई थी, परसों बताई थी, पहले बताई थी। इंटरनेट पर जब जाएगा, और जो डॉक्टर आए मेरे पास विदेश से, ये कहते हैं, वो कहते हैं, बात तो ठीक है लेकिन वो एक ही बात ज़्यादा कहता है, क्योंकि जो आज इधर कही वही बात कल कही परसों कही वही कहता हूँ। कारण क्या है, आप जो बैठे हैं आपका जो तकलीफ हो वो ही कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता चलो राम से मिला दूंगा और उधर कर दूंगा, और वो खुद ना, वो तो मिले हुए हैं आप पहले से। मैं वो बताता हूँ जिसकी तकलीफ है, हम गृहस्थी हैं और गृहस्थियों जो तकलीफ बोलता हूँ। तो कल वाले आदमी कुछ ही इधर हैं अभी आए हुए, तो वो सुनेंगे तो बोलेंगे रोज़ रोज़ की वही बात कह देता है, तो वो नए आदमी आए उनको तो रहे, वो तो रह गए। तो दुख वाली बात है वो बताता हूँ, इसलिए बार बार के लिए मेरे जो सत्संग इंटरनेट पर देखते हैं वो भी ख्याल करते हैं कि बात ही वही कहता है, कि दुख ही वो है आदमी के, अज्ञान का दुख है। मनुष्य को दुख कुछ नहीं, क्यों नहीं, ये तो ईश्वर से हैं, ईश्वर ईश्वर करते हैं, पूजा करते हैं दिन भर हर घर का आदमी। कहाँ है वो ईश्वर, किसी ने देखा इधर इस लोक में, किसी ने इधर बैठे इतने भाई बहन बेटियाँ बैठे हो, किसी ने देखा गया ईश्वर? मैंने तो देखा, वो बताता हूँ, हो सकता वो गलत हो, को जरूरी है, मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। क्या है कि वो ईश्वर जिसकी तलाश करते हैं वो तो हर आदमी के अंदर है, हर आदमी इसको तलाश करता फिर रहा। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावा हंसी, कबीर कहता मछली पानी में कहती प्यास मर रही हूँ प्यास मर रही हूँ। मनुष्य के अंदर परमात्मा है और मनुष्य उसकी तलाश करने के जाता, कोई मथुरा कोई काशी कोई कहाँ कोई हरिद्वार कोई कहाँ कोई हज करने जाता कोई कहाँ जाता, बट क्या फिर सब ए टू जेड यानी मनुष्य कोरा है। किस बात से? अज्ञान से। ये ईश्वरन से, आप वो ईश्वर आश्वर है, वो आपके अंदर है। जो काम इधर करते हैं पूरी दिल्ली बसाई है, आप लोगों ने बसाई है मनुष्य ने, लाल किला वगैरह बिरला मंदिर इत्यादि इत्यादि सबका सब मनुष्य ने बनाए। विदेशों में जहाँ जाता हूँ देखता हूँ सब मनुष्य ने बनाया, ये मोबाइल वगैरह सब मनुष्य ने बनाया, सब काम मनुष्य करता है, उसको यकीन नहीं है। बताया तो रखा महात्मा ने, लेकिन आज तक सहन में बता रखा है, सहन में बता रखा है। गुरु नानक देव कहते नानक सदा रहे हर नाले, गल तो कह दी कि वो तुम्हारे नाली रहता साथ साथ रहता हमेशा। तुलसीदास जी कहते हैं हमेशा के लिए, वो हमेशा साथ आपके रहता है। आप समझो मनुष्य के अंदर है वो, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुखरासी सो माया बस बंदो गुसाई, आप ही बंदो मरकट ही नहीं। ये तो रामायण के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वरंश है चेतन है विमल है सहज है सुखरासी है, इसको कोई दुख वाली बात नहीं है। तो दुख किसका है? माया का, जो है नहीं उसने सत्य समझ रखा है, जो चीज़ है नहीं उसको सत्य समझ रखा है, ये वो उसका दुख। और फिर दुख वाली बात क्या ज़्यादा, वो आपको और खोल के बताऊँगा। हमें क्या दुख है, हम गृहस्थी हैं सब, क्यों मैं सन्यासी वाली बात नहीं करता हूँ। पहली बात तो मेरी नज़र में सन्यासी बहुत कोई आया नहीं, अरे कोई एक दो आया है तो उसका कहना कहाँ बाबा अलग है, वो तो कोटन में कोई एक दे नारायण चित। गुरु नानक देव कहते हैं करोड़ों में से कोई एक दो होता है जिसको हमेशा उसका ज्ञान रहता है, ऐसा कोई एक दो साधु है गिनती आता, तो उसकी एक क्या चर्चा करेंगे, हम तो चर्चा सभी करेंगे कि जो आप आए आपको क्या तकलीफ है, मैं वो बताऊँगा सबको। और वो बताता हूँ जो तो बात को उसकी सुधार होगा, और मैं बताता हूँ चलो ये राम से मिलो ये मिलो, या कथा कहता हूँ कथा है ये भागवत है, ये मन को राजी करने के मन का सब्जेक्ट है, कोई रूहानियत नहीं इसमें। रूहानियत किस में है वो चीज़ बताऊँगा आपको। रूहानियत है आप में, आपके अंदर जो मनुष्य है सबके अंदर, सब बेटियों के अंदर परमात्मा है, अरे आपको पता नहीं है इसे, आप दुखी चिंतित हैं डरते हैं, और आपको ये यकीन हो जाए कि वो मेरे साथ ही है, वो बोल रहा वही मेरे अंदर है निश्चयात बुद्धि, किसका डर, कौन आपको ठगे, कौन कुछ कह सकता है, जब परमात्मा ही आपके साथ भरोसा है कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसको उर्दू शायरी में कहा है, खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगरना खुदा ही पास है तो बेकसी कैसी। वो कहते हैं कि परमात्मा के पास होने का मनुष्य को यकीन नहीं आता, इसीलिए डरता है और बेईमानी करता है, गुस्सा करता है, धोखा करता है, वो देखता कोई देखता नहीं और वो अंदर है। हम भाई के साथ धोखा करते हैं, दूसरे के साथ, पड़ोसी के साथ करते हैं, पति पत्नी के साथ करते हैं, सास बहू के साथ करते हैं, घरों की हालत क्या है अपनी, सब चोरी चोरी सब अलग अलग रहते हैं, गुस्सा रहता है, जब थोड़े नाराज़ हो जाते हैं बुरा सोचने लग जाते हैं, इसने मुझे ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे कहा।
वो जो सोचते हैं, हमारे सोचने में बड़ी भारी शक्ति है। तो मनुष्य को अगर ज्ञान हो जाए तो तकलीफ नहीं होती उसको, अज्ञान से दुख है। सब मनुष्य जाति जो भी कुछ है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे करोड़पति सेठ हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई खूब कई दो तीन PhD लगा रखी हुई थी यहाँ पर दर्शन शास्त्र में, उसमें चाहे कितना बड़ा विद्वान हो और चाहे अनपढ़ हो, मनुष्य अज्ञान से दुखी है। भाई ईश्वर अंश है, तो ये तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का जो काम कर रहा है यहाँ पर अंश रूप से कर रहा है, पूरा नहीं करेगा पूरा। अगर वो ईश्वर इधर आ जाएगा तो इधर कुछ रहेगा ना, सो मिल जाएगा। जैसे सूर्य बहुत दूर है, सब जितने क्रिएशन यहाँ सब सब कुछ होता है उसके वजह से, तारे वगैरह जो है उनके अंदर। पर वो जो अगर यहाँ आ जाएगा सूर्य तो क्या होगा, गौर से सुनना मेरी बात को, सब जल की उसी मिल जाएगा। वो परमात्मा जिसको बड़ा परमात्मा बताते हैं, सबसे बड़ा, वो अगर यहाँ आ जाए सूर्य चांद से परे है तो सब कुछ जल की उसी मिल जाएगा। वो तो उसका नमूना मनुष्य है यहाँ, आप ईश्वर से, जो मेरा अनुभव हो सकता है गलत हो, क्यों मैंने ये बात पुस्तकों में लिखी है थोड़ा और बताया, अभी महात्माओं अगर मैं गलती हूँ तो कृपा करिए मेरे को मार्गदर्शन कर दो। जो मेरा अनुभव ऐसा है कि मनुष्य के अंदर है, वो बता तो रखा कई उन्होंने, देखिए वो सहन बहन में है, साफ नहीं बताया। तकलीफ क्या है, दुख है, इसके गलत ख्याल का विचार में शक्ति, इसके दोनों तरह के विचार, अच्छा करता है तो अच्छा ही और बुरिया करता बुरा, सोचेगा वैसे हो जाता क्यों, ईश्वर सोया ने इसमें शक्ति है, सोचेगा वैसे हो जाता, सोच का इसको पता नहीं है। हम गृहस्थियों की क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है सबको, तकलीफ यह है कि हम जो 5-7-10 आदमी घर में परिवार में रहते हैं या 2-4, उनमें आपस में जब नाराज़ होते हैं तो बुरा विचार आ जाता है, सास बहू की नाराज़ी होगी खटपट तो बुरा विचार आ जाएगा, इसने मेरे को ये कहा, इसने मेरे को ये कहा, नफरत होती है उसको, और वो नफरत से सोचती रही, वो विचार जो हैं वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऊपर, वह जो नाराजी के विचार हैं ऊपर चले जाते हैं, और जो वहाँ से ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर इधर आएंगे उसने घर में दुख लाएंगे, क्या मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी, आप नहीं चाहते वो घटना घटेंगी। अब उसमें सब घटना शामिल है, जैसे कोई कार टूट गई आप नहीं चाहते, कल मिले थे, किसी एक्सीडेंट हो गया नहीं चाहते, हार्ट टूट गया नहीं चाहते, लड़ाई होगी घर में नहीं चाहते, चोरी कर लेगा आपका आप नहीं चाहते, यानी वो घटना घटे, आपका लड़का कोई अच्छा काम कर रहा था वो फेल हो गया साल भर, आप नहीं चाहते। मतलब ये है कि जो अपने घटिया विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी का समझ एक बार, चाहे सास बहू का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे भाई भाई का हो, मतलब चाहे आप मालिक नौकर मालिक का हो, जो विचार हैं वो विचार ऊपर जाते हैं, जब वो आएंगे तो वो तकलीफ लेके आएंगे, मन के प्रतिकूल घटना घटती, ये क्रम है। आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, जो बात करेगा कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, टेलीफोन देख कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये योग का विषय है। ये तब है जैसे पढ़ने वाले लड़के जाते हैं, सब के सब तो IAS नहीं बढ़ते, क्योंकि वो उनके इससे बात करता, वो इससे बात करता, घर की बात याद करता, वो पूरा गेस अप नहीं करता, और जो बच्चा गेज करता पूरा लेक्चरर को अच्छी तरह से ध्यान से पूरा पूरा लिख देता, वो फिर 100 में से 90 नंबर 91-92 नंबर लिखता, क्योंकि बात तो दोनों की थी, उसने गौर से सुन लिया नहीं है, तो हमको सुनना नहीं आता सत्संग, सत्संग सुनने का नहीं आता, इधर बात कर लेते इधर करते उधर देख लेते, इधर कथाओं होता है कि नहीं, कथाओं में नाच गान देखते हैं, रामायण के देखते हैं, महाभारत देखते हैं, वो ही कथा, सत्संग कथा नहीं है। इसके लिए योग कराया जाता है, सुनने के लिए थोड़ा साधन कराया जाता है, मन को इकट्ठा करने का ढंग बताया जाता है, ताकि ये बात समझी जाए। अगर बात समझ ली जाएगी तो आपको योग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कानों मुंगली देख के 3-2 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है, ये जितने महात्मा बैठे रहते हैं वो उनका मन चंचल है, ठीक नहीं है, उन्हें ठीक सुना हुआ नहीं है। अगर सत्संग सुन लेता है ठीक तो वो कुछ ज़्यादा योग की ज़रूरत नहीं है आपको, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान क्या है कि आप ईश्वर अंश हैं, आप में शक्ति है, आपके विचार में शक्ति है, सोचोगे वैसे हो जाएगा, तो आपको सोचने का पता नहीं, सुबह शाम तक एक विचार आया चला गया, ठहर के सोचने लगे, हाँ कल उसने ऐसा कहा था, फिर ऐसा करूँगा। अगर ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है तो ऊपर चला जाएगा, और जब वो आएगा तो मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। अगर प्रेम का सहायता का दया का विचार हो तो वो फिर जब आएगा तो अच्छा आएगा, आपके मन के अनुकूल घटना घटेगी। जो सुंदर विचार रखते हैं उससे तो आपके मन के अनुकूल होगी, आप खुश होंगे, और जो जो प्रतिकूल जो अति विचार घटना घटती है वो आपके घटिया विचारों का रोज़ रोज़ का, सास बहू की नाराजगी, पति पत्नी की नाराजगी, भाई भाई की नाराजगी, बाप बेटे की नाराजगी, ये जो आपकी नाराजगी है ये लेके बैठ जाती है,
थोड़ी देर बैठे रहते हो ना अफीम खाड़े की तरह, बोलते नहीं हो मुँह सुझा के, तो घटिया विचार आते हैं कि इसने ऐसे कहा, मेरे को ऐसे नहीं, ये कहा, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये सास ने ये किया, ये किया, या बहू ने ऐसे किया, या बाप बोलता वो बेटा ये मेरे को पूछा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नफरत करता वो, और बुरा विचार, वह विचार आपके ऊपर जाते हैं, और वो विचार ब्रह्मांड से ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर नीचे आते हैं, और वो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेंगे घटिया विचारों से। नहीं समझे तो ये समझो कि जैसे जो बीज बोते हैं वही उगते हैं, नहीं, अगर भाई हम जो बो दिया तरबूज तो तरबूज उगेंगे, निकलेंगे लाल लाल गिरी के बढ़िया खाएंगे, और अगर बीज डाल दिया हमने तुम्बे के, तुम्बे जानते हैं जो कड़वा होता, तो क्या होंगे, तुम्बे ही होंगे उसका। तो आप सारा दिन बीज डालते रहते, हम सोचते रहते वो बीज डाल रहे, जो सोचते जैसा सोचते वो बीज पड़ता रहता, और इसका पता नहीं, इसका ज्ञान सबको है। ये क्यों कह रहे हैं, मुझे पूरी दिल्ली वाला या मेरी बात सुन ली, सबका घर में दर्द दुख है, कोई रूसा बैठा, कोई कुछ है, कोई दुखी हो रहा, कोई कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा, और वो इधर आजाद में होता जो यार ये बात तकलीफ तेरी है। तो इसको महात्माओं ने कहा है, सब ने पहले कहा है, सैन बेन में कहा है, वो स्वयं तुलसीदास कहता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, इतना कह के छोड़ दिया कि जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, उसमें संपत्ति संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट हवेली संतान सब कुछ, कोई चीज़ की कमी नहीं। जिस घर में प्रेम है आपस में, बुरा सोचता ही नहीं कोई, पति पत्नी कभी नाराज़ होते नहीं, बाप बेटा नाराज़ होते नहीं, जिस घर में खुश है सब, उस घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। तो महात्माओं ने इतना ही कह के छोड़ दिया, रामायण में लिख दिया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना, जिस घर में रुस्सा मन्नी है, नाराजगी है, उस घर में आफत, एक आफत, दूसरी आफत, तीसरी आफत, चौथी आफत, सबके घरों में। मैंने वो बात बतानी है जिससे आपको तकलीफ है, क्यों है, उसका कारण क्या है, और इलाज क्या है। इलाज इसका ये है कि जो घटिया विचार हैं उनको आप अवॉइड कर दो, जो घटिया विचार आते हैं तो काट दो, क्यों सोच रहा हूँ इसका भुगलना पड़ेगा। समझो आपके आगे आग रखी हुई है अंगारे, तो आप पैर से बच के जाते हो, नहीं तो पैर जल जाएगा आपका, अंगारे के हम तो नहीं दोगे ना पैर। जब आपको ये मालूम होगा विचारों का मामला है तो जो घटिया विचार आएंगे फट तो छोड़ दोगे, काट दोगे, मैं क्यों सोचता हूँ ये भोगना पड़ेगा। चलो ये चेतनता है। निक्की बात छोटी सी है, पंजाबी में कहते गल निक्की जी है बड्डी बहुत है, निक्की सी है, छोटी सी विचारों को बदलना है आपने, नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव ले आओ, जो घटिया विचार उनको बढ़िया में लियाओ, कहते हो ठीक सब आप जा रहे हो बस में जा रहे हो, बस दो मिनट चली पर ही चली गई, हाँ बस चली गई बस, दुखी हो जाते हो हम। और अगर आपको पॉजिटिव विचार आते हैं तो आप सोचते हो बड़ा फायदा, कोई न कोई कारण था, इसमें भलाई है, इसमें भलाई है, साथ में इस बस में जाता तो कोई चोरी होती, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना, मेरे को परमात्मा ने बचा लिया। अरे पॉजिटिव में ले लो, दुख के बजाय उसको सुखात्मक बना लो, अरे रेत में से शक्कर निकाल लो, आपके विचारों में शक्ति है। क्या कहा मैंने, आप ईश्वरंश हैं, ये मैं जो कह रहा हूँ पहले तो कह रहा हूँ, आम को महात्मा कहता नहीं होगा, नहीं तो टेलीविजन में सुना होगा, ना आपकी रामायण गीता महाभारत में लिखा होगा किसी में, मैं कह रहा हूँ आप ईश्वरंश हैं, और आपको अज्ञान का दुख है, बस अज्ञान के दुख में सब राष्ट्रपति भी शामिल है और नीचे चपरासी भी, आइए ये समझें। और इलाज इसका क्या है, जो दुख है ना घरों के आपके आफत, ये सोच लो कि घटिया विचारों का फल है, तो आज से आपने अगर मेरी बात सुनी है, वैसे तो पूरे दिल्ली वाले सुन लेते हैं यह बात, सह दुखी, अगर मोदी साहब भी खुद भी जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो भी ये मेरी बात सुन ली तो वो भी इसके अंदर कमजोरी, उनको भी लाभ हो जाए। क्या कहता हूँ मैं कहना, कोई ईगो नहीं है मेरे को, मैं सच्चाई कह रहा हूँ आपको कि बड़े बड़े आदमी सब तो दुखी हैं, रोज नेता चिंता करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, क्यों करते हैं, उनको विचारों में कमजोरी है। एक पार्टी राज आए, दूसरी कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, दूसरा कहता है भाजपा खराब, भाजपा खराब, खराब खराबी खराबी सब खराबी, तो खराबी आएगी जब कोई तो अच्छा ही काम करिए तो अच्छा ही तो लेनी चाहिए ना, बताना चाहिए ना भाई ये अच्छा ही है खराबी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन खराबी खराबी तो खराबी आ जाएगी, फिर जिसके चिंतन करेंगे वही चीज़ आ जाएगी, जिस चीज़ सोचोगे वही आ जाएगा, आपके सोच में शक्ति है। तो कहते हैं ये इसका कहावत है कि जब तू होता किसी शख्स पर कुछ नुमा, किसी की तरफ उंगली करता है वो खराब है, उसका चरित्र खराब है, उसका वो खराब है, तो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं उंगलियाँ तीन झुकी रहती तेरी जानब, भाई एक आंगड़ी उसकी तरफ है तीन तेरी तरफ, अंगूठा नहीं उतला। तो अगर ये पता हो जाए आदमी को तो वो विचार को अपने को काबू कर लेगा। इतना सा करना है कि पॉजिटिव विचार रखना है, किसी का बुरा मतलब। तो क्या करना आपको, आपके दिल से ईर्ष्या द्वेष नफरत हेरा फेरी छोड़ दो। जब आप ईश्वरन से हैं और आपको यकीन होगा कि वो है, किससे बेईमानी करोगे, सारे दिन बेईमानियाँ, भाई भाई से नाराज, सास बहू से नाराज, बाप बेटे से नाराज, सिवाय बुराई की कोई बात नहीं, तो घर में शांति कहाँ आएगी,
कुमती है सारा दिन। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जहाँ सुमती तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमती तहाँ विपत्ति ना जाना। जिस घर में संपत है प्रेम है सब हंसते बोलते हैं खुशी खोल दिल खोल की गल्ला कर रहे हैं अपनी पूरी कोई बात नहीं बाप निकाल देते हैं प्यार से रहते हैं तो उस घर के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी संपत्ति की कमी रहेगी किसी चीज़ की कमी रहेगी आप समझे नहीं। तो गुरु नानक देव जी इसको इस तरह कह दिया ये कलयुग के संतों ने क्लियर किया है। वो कहते हैं गुरसुख पुष्या तो वार सुख पाया कह नानक गुरु मंत्र दिलाया कि गुरु मंत्र यह है कि घर के अंदर सुखी रहे सब तो कोई कमी नहीं रहेगी पति पत्नी राजी हैं भाई भाई राजी हैं बाप बेटा राजी हैं सबके सुख घटिया विचार नहीं रखा जाए। जिसके घर में सुख है तो सभी जगह सुख ही सुख है और जिसके घर में परेशानी है उसको दुख ही दुख आई क्या समझ बात। तो आप बेटियाँ बैठी हो तो घर को बनाने के घर को स्वर्ग बना रहे हो नरक क्यों बना रखा है रूस नरक हो गया दुख का चिंता फिक्र डर भय लगता है वो तो नरक हमको डर लगता है चिंता है ये है वो है गुस्सा आता है और जो खुशी होते हैं उमंग रहती है तो वो स्वर्ग है। तो प्यार के साथ मरो घरों को स्वर्ग बनावा आपको ज्ञान आ गया आदमी आता बाहर से कोई गुस्सा गस्सा लेके आके वो कड़ी बात करता ये कराया ये कराया ये करा पाँच चार सुन रहे अच्छी तरह से और फिर आखिर में कह दो जी एक दो और कह दो कोई बात आपका जी सोड़ा हो जाए एक दो बात और कह दो आई के बात समझ में ये दो चार बार उसको कहोगे अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो वो ठीक बन जाएगा उसको कोई जानने की जरूरत है आप बैठी तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए आप बेटियाँ काम कर सकती हो भाई भाई कुछ नहीं कर सकता आदमी आएगा चार पैसे कमा के ले आएगा और आके घर के अंदर वो बात कर जब गलत का बात करता है तो सुनो बात तो सुनते रहो और सुनने के बाद बोलो आप चुपचाप सह लो और सह की बात आहिस्ते से कह दो ये इतनी बात आप दुख क्यों पा रहे हो और करो और कोई बात है तो और करो बस इतना ही करो उससे वो काम ठीक होता जाएगा। मतलब घर में शांति रखो घर में शांति है तो सब हमारे घरों में शांति नहीं हमारे नहीं नेताओं के नहीं ये बड़े बड़े जो बेटे बड़े हैं घरों में कड़े है सबका क्यों बताता हूँ बड़ा बड़ा दाम क्यों लेता हूँ मैं मैंने बड़े आदमी की संगत करी है। पहला राष्ट्रपति भारत का राजेंद्र प्रसाद जी बन के आए थे तो मैं राष्ट्रपति बने मेरी गार्ड थी ब्रिगेड गार्ड और उसके अंदर में था तो मैं जाता था ड्यूटी के राष्ट्रपति भवन में देखता था उनके पास लोग आते थे परदेशी आते थे वो बात करते वो भी सुनते थे अपने देश की भी बात करते सुनते थे और वो बड़ा सादा आदमी था बड़ी अच्छी बातें करता था और जब उनको गुस्सा आता था वो भी कड़वी बात कर देते थे। तो मैं सोचा कोरे राष्ट्रपति साहब भी कोरे हैं तो गुस्सा आता है इनको ये पता नहीं कि इसको गुस्से का फल क्या होगा इनमें तो गुस्सा करते हैं तो खराब हैं। तो इसी तरह से मैं बड़े आदमियों की संगत करता रहा हूँ हमेशा आप देखोगे अभी मेरी बड़े आदमियों की संगत है क्योंकि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये किताबों में लिख दिया अब ये ज्ञान जो लिखा दिया वो ज्ञान सब आप लोग तक जाता है पढ़े लिखे आदमी पढ़ते हैं वो आम आदमी के लिए नहीं जो पढ़े पढ़े देखे वो पढ़ते जो रीडर होते हैं जिज्ञासु मेरी पुस्तक पढ़ लो सोलह घर बैठे तो पाँच चार पढ़ लो आप सबको ज्ञान दोगा आपको कोई तकलीफ नहीं धर्म के बारे में कोई शंका ही नहीं रहेगी जो मोमा इतना बड़ा है कि वो कहाँ परमात्मा उसको उधर देखो उधर पूजो उधर को पूजो उधर पूजते फिर रहे हो आप अपनी पूजा कर लोगे और अगर आप कुछ चाहते हो देखना तो देखने का बंदोबस्त भी आपके अंदर ही है देखने का बंदोबस्त जो आप देखना चाहते हो नहीं जो मैं कहता हूँ ये आपकी खोपड़ी में अनुभव कर लो वो परमात्मा उसको जानना चाहते हो उसका क्या तरीका है यहाँ से लेकर जो टीकी लगाती हो ना आप इस जगह से लेकर के और इस चोटी तक का है इधर तक के साधन है तो वो साधन के बारे में बता पेंट और तो मैं कर दूँगा क्योंकि डॉक्टर कमदा जी ने कहा है कि आप बताना सबको आपने घरों में तकलीफ है वो कह रहा हूँ मैं डॉक्टर वो है जो ज़्यादा तकलीफ है वो तकलीफ पूछ के सिम्टोम और वो दवाई दे दे ठीक हो जा तो मैं वो आदमी हूँ वो हूँ कि जो बैठे हैं उनकी क्या तकलीफ है मैं वो बोलूँगा मैं वो और फालतू बात नहीं बोलूँगा जिस चीज़ से आप तकलीफ में हैं वो बात बोलूँगा क्यों कि मैं गृहस्थी हूँ भैया एक सर्व सन्यासी है ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी रहता है सारा दिन प्रकाश में रहता है मस्ती खुशी रहता था सूरत खेलती रहती है प्रकाश के अंदर वो ब्रह्मचारी क्या जानता है तो बड़े बड़े आदमी ताल्लुक रखते हैं सेवा करते हैं अच्छा खाता पीता है हमेशा उस हालत में रहता है उसको घरेलू की तकलीफ का क्या पता ब्रह्मचारी को क्या पता कि गृहस्थ में क्या तकलीफ होते हैं जाके पैर ने फटी बिवाही वो क्या जाने पीठ पर आई। तो मैं गृहस्थी हूँ आप बेटियाँ जानती हो गृहस्थ के अंदर जो हमें रहते हैं भाई लोग जानते हो तो क्या है हमारा कुछ और काम है। तो क्या ये आत्मज्ञान नहीं आत्मज्ञान ले ही आप सकते हो भी वो जो ज्ञान दिया गया वो तो राजा ने राजा को दे रहे हैं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन सुनने वाला है वो तो राजाओं का ज्ञान था राजा जनक बोल रहे हैं कुछ करें राजा राम बोल रहे हैं वो तो राजाओं का राजाओं के बड़े आदमियों का ज्ञान था राजाओं का हम राजा नहीं सबके सब साधारण आदमी हमें साधारण आदमी को क्या तकलीफ है। तो मैं कहता हूँ राजा रुजा सभी इसी अंदर शामिल आ जाते हैं ज्ञान में ईश्वर तो हैं पर वो गलतियाँ करते वो भी पहली गलती करते थे एक दूसरे का सिर काटते थे राज करते उसका वो हड़पता था उसका वो हड़पता अगर उनको ज्ञान होता तो क्यों क्यों काटते सर
ज्ञान नहीं था उनको, अभी भी ज्ञान नहीं है, लड़ते एक देश का आदमी दूसरे देश के आदमी लड़ते क्यों, कि वो ज्ञान नहीं है किसी को, न चीन वालों को है, न जापान वालों को है, न अमरीका को है, न अफ्रीका को है, न इंडिया को है, ये जितने था ज्ञान कहाँ से लेंगे। अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए कि मनुष्य ईश्वर अंश है और सब कुछ है, और जिन चार रोज की जिंदगी खेल मारा है, चले जाना है, दुनिया चली गई सब जाते, अगर उसको यकीन हो जाए इस बात का तो ये काम नहीं करेगा। आपको पता चल जाएगा ईश्वर मेरे अंदर ही, ये एक विश्वास आ जाए तो आप कोई बेईमान नहीं करोगे, न भाई से करोगे, न बाप से करोगे, न पत्नी से करोगे, न पति से करोगा। जानते हो सज़ा मिलती है बेईमानी की, जो बेईमानी करते हैं उसकी सज़ा मिलती है, यहाँ मिल जाए तो यहाँ लॉ ऑफ लैंड है उससे मिल जाएगी, इससे बचिए। क्योंकि आजकल देना देना चल रहा है, लो पुलिस को देखिए छुटिए, जज को देखिए छुटिए, उससे नहीं छुटोगे। वो जो आपके साथ परमात्मा जो है ना, नानक सदा बसे हर नाड़े, वो नहीं माफ़ करेगा आपको, करनी का फल भोगना पड़ेगा। जब आपको ये बात आ गई, इसको कहते गाड़ फेरी भगवान से डरना। आज का आदमी तो डरता नहीं, पहली गाड़ में कहते तेरे बाप की कसम खा जाता, पता जी बाप की कसम तो नहीं खाऊंगा भाई, और बात बोल लो कुछ, वो बाप की कसम नहीं खाता था, तो जानता गलत कसम खाए तो बाप के आफत आएगी, झूठ बोल रहा हूँ। आज का आदमी होते थे बोलते कह खाऊँ भाई, बता कितनी कसम खानी है, क्यों डरता नहीं है, अज्ञानी है, उसको इस लॉ ऑफ लैंड का लॉर्ड का पता नहीं है, कुदरत के कानून का पता नहीं है भैया को, कि बच्चा जाएगा कहाँ बच करिए। एक आदमी बदमाशी देखते तो बदमाश है, बहुत बदमाशी करता, लूट करता, पार्ट देश में रोजाना सुनते हो अखबारों में, इतना हैरान करता लोग, थोड़े दिन के बाद में ख़त्म, क्योंकि और कोई नहीं रोकेगा तो परमात्मा ऐसी हालत वो सज़ा देगा उसको। और जब सबसे बच जाए वो, जज से भी बच जाए सबसे, तो कुदरत को नहीं बन चाहिए, कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी हाँ करेगा पड़े चार भाई जी, आए ना समझ बात, मतलब वो माफ हो नहीं सकता। जो कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, अगर इसको निश्चय हो जाए तो घटिया बात नहीं बोलेगा नहीं करेगा, घरों के अंदर शांति सुर्ग होगा, हर घर के अंदर कड़े मायुद्ध है, हर घर के अंदर खुंचा ताणी है, मन मोटाव है, रूसे में न रहते हैं, तकलीफें पाते हैं, मुकद में चलते हैं, लड़ते हैं, बीमारियाँ आती हैं जाते हैं रोज़ाना, वो बीमारी का इलाज नहीं होता, वो जो कर्मरोग की बीमारी आपको जाके डॉक्टर के पास सब कुछ करा लोगा, टेस्ट कर देगा, लिख देगा नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, आज जिस दिन वो जब सिर्फ पकड़ना होगा जिससे ख़त्म हो जाएगा उसका असर, उस दिन डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा, बोल कर आप इसको तो ये तकलीफ है यहाँ पर, उस दिन डायग्नोसिस करेगा, और पहले जितनी डायग्नोसिस उसमें नहीं होगा उसको, ये क्यों बोल रहा हूँ तजर्बा मेरा, डॉक्टर साहबों की रिपोर्ट है ये बात बताते हैं वो, मेरे विश्वासी डॉक्टर जो कहते हैं कि आप ठीक करे हो कैप्टन साहब, वो ऐसा था ऐसे उसको तकलीफ थी, वो पहले से थी, कई डॉक्टरों से कराया, सब कुछ करा लिया, और सब कुछ करके जितने भी एक्सरे दिए जाँच, उन जाँच के अंदर आया ने नॉर्मल लिख दिया, और बाद में जिस डॉक्टर ने कराया वो बोलता भाई तुम पहले कराई भी खराब दिया तेरा लाभ से, बोले आगे देखा बोला तो है चीज़ तो इधर है, तो क्या हो गया डॉक्टर साहब को मोतियाबिंद हो गया उस वक्त, कर्म रोग आया तो पहचान नहीं सक्या, आया नहीं समझ बात, रोज की बात है बीमारी दिया फिरते हैं, क्या कर्म का है। तो बेटी और भाइयों क्या बताना चाहता हूँ, आप ईश्वर अंश हो, और आपको इस अज्ञान के कारण दुख है, क्या ज्ञान है, जीना नहीं आता, क्या जीने का मतलब है, जब गुस्से से आप सोचते हो, एक बात समझो, गुस्से से ईर्ष्या द्वेष नफरत होता है, तो वो चाहे पत्नी को सोचो, चाहे पति को सोचो, चाहे भाई को, चाहे 10 मिनट सोचो, चाहे 1 दिन सोचो, चाहे 2 दिन का रुसा बनाए, उतनी दौरान में तुम जो विचार करते हो रेडियो वेव की तरह रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और ब्रह्मांड से जब वापस आएंगे यहाँ पर आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी, ये जितनी तकलीफ रखी ये तकलीफ है, ये कारण। अगर इस बात का तो इलाज क्या है, आपको विचारों का पता चल गया तो आप अपने विचारों को ठीक कर लो, गुस्सा जब आता है तो थोड़ा सा ख्याल रखो, क्या ख्याल रखो, ये ख्याल रखो कि क्या कर रहा हूँ, सोचूंगा उसका तो कोई कोई आफत आएगी घर में आएगी, वो तो घर की आफत आएगी, पति पत्नी बढ़ागी तो घर में आएगी, पूरे पर बाप बेटे बढ़ागी तो घर में आएगी, दो आदमी बीमार भी हो गया एक दो तो पूरा घर बीमार है, तो तकलीफें जितनी हमारे विचारों से हैं, घटिया विचारों से, घटिया विचारों को छोड़ दो, तो मन वचन कर्म से पवित्र होना, आपको कुछ नहीं करना, अपने मन से किसी के हेरा फेरी 420 नाराजी मत रखो, बिल्कुल आप समझे, नाराजी मत को सास कुछ कड़ा स्वभाव करती है तो बेटियों को समझ लेना चाहिए कि इसकी बस्ती गली नहीं कोई, इसकी नानी का संस्कार होगा, माँ का संस्कार है, मजबूर है या ऐसे करने के लिए मजबूर है। और एक सत्संग होता है अलग जो देते हैं हम, क्या सत्संग देते हैं ये लोग, क्या है इस लोग का सत्संग देते हैं वो अलग है, वो ये कि इधर जो आए हैं देने देने के लिए आए सब, ये लोग कर देगा पूरा, किसी का देना और किसी का लेना चुकाने के लिए, जिस दिन चूक जाओगे इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उस दिन नहीं रहोगे, जिस दिन आपका कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन सब छोड़ जाओगे, क्या हो गया जी हार्ट अटैक हो गया,
क्या होगा, अचानक या तकलीफ हुई, बस जो प्रभु दे के आए, मिशन दे के आए, वो काम पूरा हो जाएगा। तो क्या चुकाने के लिए आते हैं, किसी को तो देने के लिए आते हैं और किसी को लेने के लिए। कोई बेटा अपनी किया जाएगा, लेने वाले कौन है, वो आपके नियर और डियर, किथ और किन, रिलेटिव, बेटा भाई बहू पति पत्नी वगैरह, ये लेने देने का चक्कर है, संबंध है, जिसका खत्म होगा उस दिन नहीं रहेगा वो। कौन है यहाँ, सत्रह चार दिन का मेला है, जब जाते हो आदमी को तकलीफ होती है तो पत्नी को नहीं होती, बेटे को नहीं होती, माँ को नहीं होती, उसी को होती है। मतलब कहने का ये कि हम लोग यहाँ खेल पर आए, एक सत्संग है, कर्जे का देश है ये लोग जो, तो इसके अंदर से कैसे कर्जा चुकाना है कि कर्जा रखना में, कर्जा सब चुकाते जाओ राजी राजी और फिर आगे का रास्ता सीखता जाओ ताकि क्लियर हो जाए। आइए ना बात सुनो, तो इसका सत्संग आपको अलग सत्संग, वो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं भी आपको सत्संग दे रहा हूँ। खुशी कैसे रहना, खुशी रहना है कि हमें खुशी के भंडार हैं हम लोग, ईश्वर अंश हैं, सब कुछ दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया, और कुछ नहीं दिया है तो इसका गुर है आपके पास। अब आप सोचोगे आज से बन जाएगा, पहले कुछ नहीं है आपके नसीब में, फर्ज कर लो। कई आते हैं कहते हैं बच्चा तो है नहीं, फलाना नहीं है, ऐसे तजर्बा करा। मैं कहा अच्छा बच्चा नहीं है क्या अभी, ऐसे नहीं। एक दफ़े एक मुसलमान था, मैं कोई यूपी में गया था मुरादाबाद, तो वहाँ पर वो नज़दीक था, उसमें पंडित जी घर जाता था, वो कह रहे क्या जो गुरु जी आते हैं बड़े भारी ज्ञानी ज्ञानी हो, उसने मेरी गुड़ी चला दी, खूब ऑब्जेक्टिव लगा दिया जी, बड़े ज्ञानी जी ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। जब मैं गया तो वो आ गए, आके बैठे बातचीत करी, बोलो जी, तो कह गया हमारे तो और तो सब कुछ खुदा ने दिया, बच्चा नहीं दिया। वो कितने चाहिए भाई, बोल, एक एक दो तीन चार, कितने बच्चों की कमी है उसके घर, नमाज तो पढ़ते। बोले हाँ जी, अल्लाह को मानते। बोले हाँ मानते हैं, तो उसके घर का कमी है, नहीं जी कोई घर नहीं, उसके घर तो भरा है, तो उससे मांग लो। अरे वो नहीं ऐसे नहीं मिलता। बोले जी करे तो मांगते तो हैं करते, ऐसे नहीं रो की मांग लो बच्चे की तरह, जब उसके स्तर प्रार्थना करो उसको तुम्हारे आंसू टपक टपक आ जाए, इसका मांगता मांगते हो। जैसे माँ से बच्चा मांगता है कि मैं लड्डू खाऊंगा, लड्डू कहते नहीं तू मत खाना, डॉक्टर मना करा मना करा, वो रोता है ज़्यादा, अब वो खुलाती नहीं उसको, तो बच्चा रोता है तो उसका मन पिघल जाता है थोड़ा सा देर। इसी तरह वो दयालु है, मगर तू मांग रो की मांग ले उसकी, अल्लाह के घर में कोई कमी है। बोले अच्छा जी ऐसे, हाँ करो करो, हो जाएगा आपका, कितने चाहिए मिल जाए बच्चा। मैं तो ऐसे मजाक करके आ गया, और वो मैं दोबारा गया दूसरा बच्चा रहा कि मेरे पास आया, बोले आपने ये कहा था ये मेरा बच्चा हो गया। मतलब यह आपके विचार में सच्ची थी, मेरे में नहीं थी वो। मैं ये रात जानता हूँ, भेद जानता हूँ, अनुभवी हूँ, इन सहज योगी हूँ इस शरीर में। मैं कह रहा हूँ पर छुरी है, नहीं कहना चाहिए, पर नहीं कहूँगा पता कैसे चलेगा। अब मैं 92 साल का तो हो गया, मैं सच्चाई नहीं बताऊँगा तो कब बताऊँगा फिर। तो मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को आश्रम है, नहीं कोई बात है, नहीं कोई मतलब है, अच्छी पेंशन पानशन मिल जाती है, खाने पीने कोई कमी नहीं, और पूरी उम्र बहुत अच्छा खाना खाया है, ऑफिसर रहा हूँ अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर, अच्छा खाना, अच्छा फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट डिनर अलग, रोज की रोज चेंज फर्स्ट क्लास, अच्छे कपड़े पहने, दिन में 5 ड्रेस बदली करना था, पैर पार के थक गया भी अपना, एक चौड़ा पजामा पहनता हूँ, बनियान भी नहीं पहनता हूँ कभी, एक ही पहन लेता हूँ, सेटिस्फाई उसके अंदर खुश। जो कहीं कहते डॉक्टर कमला कहती है ये पहनो, ए वो तुसी हो नहीं वो पहना, मोह रहने दो जी, जो जानते हैं वो जानते हैं, मेरे को नहीं जानते कोई गल नहीं, क्या करना मेरे को। तो बात क्या है, आप इस ईश्वर आपके विचार में बड़ी भारी शक्ति है, आप घटिया विचारों को छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो दुश्मनी किससे नाराजगी है ना ईर्षा, वो खत्म करो। पड़ोसी किसी से दुश्मनी मत रखो, नाराजगी मत रखो, ये माफ़ करो उसको कि इसको अक्ल नहीं है, परमात्मा इसको अच्छी अक्ल दे, हे प्रभु इसको अच्छी अक्ल दे जिससे ऐसे बुराई नहीं करे, ये नहीं कि मर जाए। पड़ोसी का भला चाहने की मतलब है कि परमात्मा इसको अच्छी अक्ल दे, वो तो करेगा मजबूर है, वो कर्मी उसके ऐसे हैं, तो आप माफ़ कर दो। एक पुराना गीत है, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में हूँ। आज दुनिया नशे में है, या जो गलतियाँ कर रहे हैं वो कोई ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है कि हमको कैसे बोलना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जवान को अच्छा कर लो, ये परमात्मा दिए, मीठी बोली बोल लो, प्यार से बोल लो, बजाय कड़वा बोलने से प्यार से बोल लो, और अच्छा सोच लो। अच्छा मतलब आप नेगेटिव सोचो ही मत, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, गुस्सा मत करो। अब इलाज क्या आपको गए कैसे है, तो रुक करना मुश्किल है। तो आप ऐसे करा करो कि जिस अगर ये छोड़ना चाहते व्रत करना चाहते तो आज ही कर लो व्रत, क्या आज से आकर गुस्सा नहीं करूँगा जिंदगी में, शायद दुनिया कुछ करे। तो क्या करो कि जब गुस्सा आता है उस वक्त 2 घूंट पानी की लेगी ठंडा, वो पानी पी लिया करो। एक बेटी मुझे कहने लगी थी मेरे से गुस्सा काबू नहीं रहता, मैं गुस्सा करती हूँ बहुत ज़्यादा, पति पर भी आ जाता है, सास पर भी, सब पर आता है। मैं कहा बेटा ऐसे करना, तू ऐसे करा कर, जब तेरे गुस्सा आता है ना तो 2 घूंट पानी की ठंडे पानी की लेगी वो पी लिया कर। वो कहने लगी आप पानी की बात को, मैं तो बावड़ो ही जाता, मुझे होश ही नहीं रहता। अच्छा यह बात है, ये बोला यह बात है, मेरे को होश नहीं रहता, वो तो याद कर लेंगे मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ वो ज्ञान है। अब मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, अगर आपको बात ये समझ में आ गई कि आज से आगे मैं वैसे करूँगा, सबका सम्मान करूँगा, तो पहला क्या है कि इंसान सम्मान चाहता, सम्मान करता नहीं,
अज्ञान है इसको, ये चाहता है कि मैं मेरी इज्जत इज्जत हो, इज्जत करता नहीं। तो आप ये सब बताओ बात है, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। आप सुबह उठ के अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं, माँ बाप तो होंगे ना सबके, सुबह उठ के चरण स्पर्श करते हो कि मेरे को आशीर्वाद दो, मैं अच्छा हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, मैं फलाना हो जाऊँ, मेरा ये हो जाए, मेरा रोग दूर हो जाए, कोई चीज़ चाहते हो, मेरा ज्ञान हो जाए, जो चीज़ चाहते हो, ऐसे चरण स्पर्श करो। गुरु माता गुरु पिता, पैदा गुरु माँ बाप, जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता, हवा खाओ, मैंने IAS IPS सब देखे हुए, जूते खाते फिरते, जो माँ बाप का सम्मान नहीं करते उनकी मिट्टी पलीत होती है। चाहे अफसर बन जाओ, चाहे छोटा बन जाओ, चाहे बड़ा बन जाओ, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक, उनसे ताल्लुक है मेरा, पढ़े लिखे लोगों से। जो मेरी बुक जो अभी आपको दिलाऊंगा, इस मनोज जी को कहेगा भाई तू इतना काम करे तो बंदू कहूँ क्या टैक्स है, यह है कि जो तेरे नियर और डियर है उनको बुला लेना, सब दुनिया को बुलाने की जरूरत नहीं, जो तू अच्छे आदमी समझता है उनको नुता दे देना बुलाना, और उनको बुलाएगा तो उनको मैं तो बोलूँगा, चला जाऊँगा, मैं बुक दूँगा, जो मेरा अनुभव किया वो बुक दूँगा, योग की बुक है वो, अनुभव की वो किताब सादी भाषा में लिखी है, डॉक्टर कमला जी ने लिखा है मेरे से, ये विद्वान है संस्कृत, ये मुझे कहती थी आप ऐसे बोलते हो कैप्टन साहब आवाज़ जाती है, अगर लिख दो तो आने वाली पीढ़ी को काम आएगा आपका ज्ञान, वो ऐसा बोले हाँ आप अलग बोलते हो, ये शास्त्रों को जानती है ना, कहती है उसमें लिखा हुआ नहीं ये जो आप बोले वो ठीक है। तो इनको बताया भाई इतनी पुस्तक बांटनी पड़ेगी, तो अभी यहाँ पर मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ जो ज्ञान है वो जितना मैंने अनुभव किया वो सबकी पुस्तकें लिखी, छोटी छोटी पुस्तकें, तो आपको पुस्तकें दिलाऊँगा, आठ आठ सात सात पुस्तकें दिलाऊँगा सबको, ले जाना, और कोई पूरी सेट लेना चाहता है पूरी भी दिवा सकता हूँ इधर, क्योंकि इसको मैं तो बोला तब आऊँगा जब तू नियर डियर को बुलाएगा और उनको कुछ खर्चा करेगा, तो 8-10 हज़ार का ये लग जाएगा। अगर वो ये CD करा रहा, ये CD हो रही है ना यहाँ से, ये CD नेट पर लगा दूँगा, पूरे देशों के लोग देखेंगे वहाँ पर, अच्छे पढ़े लिखे भारतीय जितने में डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर, और वो पढ़ करके फिर ही जाते। तो मेरे सत्संग हैं कई सैकड़ी सत्संग हैं जो मैं देता हूँ, इंटरनेट पर कैप्टन लालचंद जी लिख दो अगर आ जाते हूँ, lalchandji.in, हर एक जगह कैप्टन लालचंद जी महाराज तो अलग आज दूसरी जगह से आ जाएंगे। और दूसरा जो मेरी किताबें हैं वो www.safedkamal.in, तो मेरी 12 पुस्तक आ जाती हैं, तो विदेशों से लोग पढ़ते रहते हैं विद्वान जो भारतीय हैं वो, तो आपको वो पुस्तक दिवाऊँगा आप घर में ले जाना, और अगर आपने पढ़ी है तो कोई फिक्र ये बात नहीं, आप ले जाना, क्यों कह ले जाएगी दूसरे को देना, ताकि आपका ज्ञान का दान हो जाएगा उसकी तरफ, आपकी तरफ से शेरा आप शेयर होल्डर बन जाएंगे, उनके घरों में शांति आएगी, आपके घरों में शांति आएगी, आप समझे ना। इनको ऐसे नहीं समझना साधन, ये कोई बहुत बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि सब कुछ आप में है, मैं सब बात नहीं बता सकता, मैं इतनी बता रहा हूँ कि आपके घटिया विचारों का फल जो है दुख है घर में, हर घर में, तो क्या करो विचारों को ठीक कर दो, सुंदर विचार शिव संकल्प मस्तु, उसको एक शब्द है शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर संकल्प विचार करो तुम्हारी दुनिया सुंदर बन जाएगी, घटिया कर सोचो ही मत, सपने में मत सोचो घटिया बात, अच्छी चीज़ सोचो तो अच्छा होता है, पहले जो कुछ होया है वो भोग लो राजी राजी, कभी मेरा कोई किया कर्म हाय मत करो, उसने मेरा ये करा, उसने मेरा ये करा, किसी ने किया, आप इंश्योरेंस हैं, आपके अशुभ कर्म का कारण है किसी टाइम का वो भोगने के लिए आ रहे, तो तकलीफ आई है आपको इधर, पर उसको सह लो, ये जान के कभी मेरा कोई अशुभ कर्म किया हुआ कोई बात नहीं, भोग लेता हूँ आगे के लिए अच्छा करो, आई समझ बात। एक बात बता, एक तो ये ज्ञान, दूसरा ज्ञान आपको ये कि आप मरते देखते हो आदमी आज हरकल नहीं है, और आपको ख्याल ही नहीं है, ख्याल ही नहीं हमको कि हमको मरना है, जब आपको पता कि कर का भरोसा नहीं जिंदगी में, तो 4 दिन प्यार से जी लो, गुस्सा करके नाराजगी करके क्यों जीना है, अच्छा चंगा बढ़ाया करो, फर्स्ट क्लास खाना बनाओ, कोई स्टोर भरा रहेगा आपका, आपका दिल अच्छा नहीं बेटियों का मैं अच्छा खाना खिलाऊँ तो आपका भरा रहेगा, अगर और अगर आप कंजूसी करोगी ना कि क्यों अगर मंगाया थोड़ा सा दिन रखूँगा तो नहीं मिलेगा, कंजूस को नहीं मिलता, वो जो खुवाता है ना उसको मिल जाता है। गुरु नानक देव कहते हैं गुरबाणी में, नाम जप पर बंट सक तो पास है, बांट के साथ आपके रिश्तेदार आए मम आए को खाना खिलाओ, खाओ खूब अच्छा, 4 दिन की जिंदगी ये परमानेंट नहीं रहना है, सब जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे, कल का ही चले जाएंगे, तो इस बात का याद ही नहीं थी किसी को, तो इसको याद रखें, किसकी बेईमानी करेंगे हम, किसका झूठ बोलेंगे हम, किसका धोखा देंगे, भाई भाई को धोखा देता है, रूसा रहता है, रूसने के लिए होता है, भाई तो भाई की मदद करता है, आपस में प्रेम करना मतलब प्रेम की जिंदगी है, प्रेम कियो तीन पर पायो बिना प्रेम कछु हाथ ना आयो, तो प्रभु कहाँ है आप में है प्रेम, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे पहले, इसको मुसलमान कहते हैं जो इसके मिजाजी नहीं करता वो इसके हकीकी नहीं कर सकता, उसकी शैली है कि जो दुनिया जो परमात्मा ने बढ़ाया उससे मनुष्य मनुष्य से प्यार नहीं कर सकता तो वो आगे नहीं कर सकता, किस खुदा से प्यार करेगा, तो पहले इनसे प्यार करना है, तो घर से क्या करो, चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है, सब सुबह उठ कर चरण स्पर्श, अपनी माँ बाप है बेटियाँ हैं अपनी सास ससुर हैं चरण स्पर्श करो,
चैनल सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दो, मैं खुशी रहूँ। बच्चे तो हमेशा सिखाओ बच्चों को, जाओ दादाजी आगे चरण स्पर्श करो, पापा आगे चरण स्पर्श करो, और माँ सीधे आगे चरण स्पर्श करो, उसका आशीर्वाद मांगो तो आशीर्वाद दो। यही सम्मान करोगे तो अगला दिल खुश होगा, खुश होगा वो आशीर्वाद देगा मन ही मन में, और सोचेगा देखो कितने अच्छे बच्चे हैं इसके, कितने लोग हैं चरण स्पर्श करते हैं। तो आप लोग सम्मान करो, जो सम्मान करता है वो धनवान बनता है, और जो अपमान करता है वो निर्धन बनता है। किसी का अपमान मत करो, कोई आपको बात अच्छी लगी चुप रहो, उसका उसको कड़वी बात नहीं बदला मत लगाओ। इसको कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो सम्मान करता है वो धनवान बनता है, क्यों उसको ये आशीर्वाद मिलता है। तो घर में करना सीखो पहले, तो सुबह उठ करके आपने जो मेरी बात सुनते हो, जो माँ बाप आपके सब गए तो पहले माँ बाप का चरण स्पर्श करो, खुशी से छोटे बन के। आपने ईगो रख दो अलग, आप IAS तक IPS तक RAS तक कुछ हैं कोई बात नहीं, वो उधर दफ्तर में, यहाँ घर में आ जाओ तो माँ को तो बेटे के अच्छी प्यार प्यार से चरण स्पर्श करो कि माता जी आशीर्वाद दो, मेरा ये काम हो जाए, मेरी तकलीफ है ठीक हो जाए, मेरा धंधा ठीक चल जाए, मेरी दुकान ठीक चल जाए, मुझे प्रमोशन हो जाए, मैं खुश रहूँ। मतलब जो चीज़ चाहते हो आशीर्वाद मांगो, आपका काम ठीक हो जाएगा और एक आदत पड़ जाएगा, आपके बच्चे भी ऐसे करेंगे, घर में प्यार होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आइए सब, अब आप ही खुद ही सोच लो कितने करके आए, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि देवी हमको जाना, हम देव आप एक ही रण के आदमी हैं ना, मैं आपका गृहस्थिया घर का आदमी हूँ, इसे मैं घर वाली बात बता रहा हूँ। और ये सत्संग आपके लिए कि घर के अंदर खुशी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। कितने रुपये आपके पास है, कितने बैंक वाले से क्या साथ जाएगा, क्या करेंगे रुपये का, कितना जेवर है क्या मतलब है, बहुत बड़ी कोठी बना ली सुंदर बुरी है क्या मतलब है, राजाओं ने गढ़ बनाया लोगों को तंग करके, ये कबूतर बोलते फिर रहे हैं उनके मकान आज बन जाते हैं कल वो पड़े पड़ेंगे थे। आप हैं तो मकान है, आप जहाँ पर हैं सब कुछ है, रिद्धि सिद्धि सब आप में, वो ईश्वर है। आइए समझ बात, तो इस बात को पक्का रखना कि वो ईश्वर मेरे अंदर है, तो ईश्वर मेरे अंदर तो मैं डर किसके बात का, अरे बेईमानी करते भी समझना कि मैं किससे नाराजी कर रहा हूँ, भाई से माँ से रुस रहा हूँ, अरे कहीं भी माफ़ी नहीं होगी मेरे को, माफ़ी मांगो गुस्सा आ गया तो कि माँ मेरे को माफ़ कर दे, मेरे दिल में खराबी आ गई, मैं कुछ कर गलत बोल दिया, सोच लिया, माफ़ी मांग रहे वो राजी हो जाएगी, गदगद होगी और आशीर्वाद देगी, आप सुख ले जाओगे। तकलीफ वाले ज़्यादा कड़ा काम तो नहीं बता रहा ना, कोई सामग्री लाओ हवन करो ये करो ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना, सीधी सी बात है, ये कर लिया इतना कर लिया करो, आपको सब मिल जाएगा। और ये बात है, ये बात मेरी आम आज ये बात हमेशा बताऊँ, मैं बात और बताना चाहता हूँ आगे, क्यों कि मनुष्य का जन्म किसी और काम के लिए, इस लोक में मनुष्य जो यहाँ आता है वो 84 के चक्कर को काटने के लिए मनुष्य शरीर आ जाता है। अगर मनुष्य 84 के चक्कर को काटना चाहता है तो वो काट सकता है। तो मतलब पहले अगर दुनिया में सुखी रहना है तो मन को सुंदर रख करके सोचो, वैसे हो जाओगे, संकल्प सुंदर हो और अच्छा सुंदर विचार लो तो दुनिया के अंदर आप बढ़ोगे, जो चाहो वो चीज़ मिल जाएगा, मकान दुकान हाट वेट जो कुछ। और अगर आप सदा के लिए अमर होना चाहते हो कि भाई यहाँ तो कोई भी बनो चाहे दुख होता है, चाहे राष्ट्रपति बनो आखिर में कोई दुखी है, कोई उनको रोग लग जाता है, किसी कुछ होता है, कोई कुछ होता है, तो किसी ऐसी जगह है जो सदा सुखी रह सकते हैं, हमेशा के लिए शांति में रह सकते हैं, कोई ऐसी जगह है क्या, वो तलाश कर लो, वो है जहाँ से आप आए, जहाँ से आप आए हैं हम, वो जगह है, वहाँ चले जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। इसका एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर छोटा सा, जैसे आप दिन भर काम करते हो थक गए, कोई भी काम करते हो, घर का करते हो, कुछ करते हो, रसोई का करते हो, घर का करते हो, और करते हो, मजदूरी का करते हो, बाबूगिरी का करते हो, डॉक्टरी का करते हो, थक गए काम करते करते, और थक करके शाम को घर में आके खाना खा के सो गए, सो के सर्राटा मारते, खूब अच्छी नींद ले ली, पूरी रात सोते रहे, वो दर्द दर्द तकलीफ सब जो चिंता फिक्र खत्म, बिल्कुल साफ। और सुबह उठे कान धड़का के वो काम फिर दोबारा कर रहे हो, तो रात को आपने मक्खन तो नहीं खाया था, कोई टोनी पी थी रात को, उधर चले गए गहरी नींद में, सोन स्लीप में वहाँ चले गए, जो आखिरी मंजिल है जहाँ आपने जाना है, योग से जाना है, उस जगह चले गए प्राकृतिक तरीके से। पर यह थोड़े दिन तक आती है नींद, प्राकृतिक तरीके डीप स्लीप आएगी नहीं, फिर बूढ़े हो जाओगे तो आएगी नहीं, चिंता फिक्र वगैरह वो पुराने ख्याल आते रहेंगे। इसलिए इस जिंदगी के अंदर योग है, योग का मतलब मन को साधने का तरीका है, अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ और कहाँ जाऊँगा, अपने आप को जानने का तरीका। इसमें कोई अनुभवी आदमी बताएगा, अपनी रामायण है उसके अंदर बताते हैं, भगवान राम शिवरी को नवदा भक्ति बताई, पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूधी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति माना, ऐसे करके नवदा भक्ति बताते, सुपने नहीं देखे परदोषा, मम भरोसे ही हर्षन दीना वगैरह सब बता के, और जब जान लग गया
नो भक्ति पूरी बता करके फिर कहेगा सिवरी बात सुन दिला मम दरस पर परम अनुपा जीव पावनी सहस्वरूपा। ये सिवरी जब मैं मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ तो मेरा रूप अनुपम है, दर्शन करने के काबिल। क्यों? कि मेरे को जो तरीका आदमी को वो बताएगा कि किस तरह से अपने रूप को पता कर ले। बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो सकता है? माँ बाप के बिना दुनिया की बात कैसे जान सकता आदमी? माँ बाप जो गुरु हैं पहले, और वो जो गुरु है अध्यात्म का, वो बताता है कि बोलने वाला क्या, कहाँ से आ, कहाँ जाता है, तो उसका वो तरीका बताता है। सब ये आपके अंदर अंदर ही देख लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो वो कहते हैं मम दरस पर परम रूप, जब मैं गुरु बन के आता हूँ अनुपम रूप है मेरा। गुरु का मतलब ज्ञान है। जो मैंने आपको ये बात बताई ये आपको याद आ जाए कि आज तक किसी से नाराजी रखी, आज चलो आज से मेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई अदावत नहीं, मैं गलती से थी, शायद मेरे को अज्ञान था और मैं आज से माफ़ करता, मैं बिल्कुल किसी को बुरा नहीं चाहूँगा। तो समझो आज आपको समझ आ गई बात, आज से चेंज होगी। ये वो बात याद आ जाए वो गुरु है। आप गुस्सा आया और गुस्सा आया कुछ करना चाहते हो, गुस्से आते फिर बोले करते क्या हो, ये तो गलत कर रहा हूँ, ये सोचूंगा इसके कोई आफत आएगी घर में, वो गुरु है। ये मेरी बात याद आ जाए कि गुस्सा करना, बेईमानी रखना, ओछा कड़ा बोलना ये नुकसान का कारण है, तो वो ज्ञान है। जब वो याद आ जाए उसे टल जाओ। आगे बात समझ में, ज्ञान ना गुरु का है, गुरु का मतलब ज्ञान से है, आदमी से नहीं है। पर आदमी का गुरु आदमी होगा, मूर्ति थोड़ी देगी आदमी को ज्ञान, तो मनुष्य को तो मनुष्य ही देगा। तो वो ज्ञान देना आता वो पूज्य है, वो जो ज्ञान आता भगवान राम कहता जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ मम दरस पर परम अनुपा जीव पावी ने सह स्वरूप। शिवरी जब मनुष्य रूप में आता हूँ तो मेरा रूप अनुपम में दर्शन करने के काबिल है। क्यों? कि मैं जीव को बताऊँगा तभी वो अपने आप को पता करेगा, नहीं कैसे करेगा? तो वो पता करने की बात क्या है, अपने आप को जानने का तरीका क्या है? हालांकि आप पूछने के लिए नहीं आए, नहीं तो आप पूछने के लिए आए हो मस्त अपनी हालत में, और नहीं मैं बताने के लिए भी आया हूँ। मैं तो आगे ही बात बताने के लिए आया हूँ आपको, सदा के लिए अमर हो जाएं, इसी जिंदगी में रहते हो परम शांति को प्राप्त अनुभव करें, ये जीवते मुक्ति का अनुभव करें। पर वो बात कोई लेना चाहता कि वो नाम वाली बात जो थी वो मैं बताऊँ तो मन तो साफ हो। नाम किसको दिया जाता है? नाम का मतलब है महात्मा, एक ड्रामा है वो, तो नाम उनको खुद को नहीं मिला। अरे नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार, जो कोई सुन रहे नामनित व्यापनी संसार। नाम को समझता तो नाम आपके अंदर जो बोल रहे हैं ना भी, वो है आपके अंदर मेरे अंदर, और उसको जानना चाहते हो आप तो यहाँ से शुरू होता है। पहले दुनिया बना लो, टीका लगाती हो ना यहाँ पर, तो ध्यान करो, कोई इष्ट बना लो, राम का कृष्ण का देवी का, आपकी मर्जी हो एक्स वाई जेड, मन इकट्ठा करने के लिए जहाँ श्रद्धा उसे। क्यों? मैं तो वो बताता है मैं मुक्त हूँ, तो तू बंद होगा नहीं कि फला बंद, मैं तो मुक्त आपको सब चीज़ से मुक्त कराना चाहता हूँ कि जीवते ही मुक्ति प्राप्त कर ली। तो जिस चीज़ का विश्वास है इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करोगे मन इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो क्या पहचान है इकट्ठे होने की? पीले रंग का प्रकाश और घंटी बजेगी, घंटी का सब सुनोगा, घंटे का टर्न 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 ऐसे वो सुनोगे आप, और वो सुनते सुनने से आपकी शक्ति आ गई। सोचोगे वही हो जाएगा, अगर बुरा सोचोगे तकलीफ हो जाएगी ज़बरदस्त, क्योंकि आपके विचार में शक्ति ईश्वर से है ना आप, तो बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा। तो नाम सुनने से पहले, साधन करने से पहले ज्ञान ले लेना चाहिए, ताकि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रहे, बिल्कुल सबको माफ़ कर दिया जाए कि उनके बस की बात नहीं थी, मेरे ही कोई शुभ कर्म थे। और माफ़ करने के बाद वो नाम सुनेगा तब तो फायदा देगा, और अगर वो नहीं समझेगा गुस्सा होगा तो गुस्सा बढ़ जाएगा और आप वो खोटा काम करेंगे, अगर नुकसान करेंगे पत्नी पर सोचो, जिस सोचोगे उस पर गोली से चोट आ गई। तो बात आई आपको समझिए, ये जो ज्ञान की बात है ये आपको समझिए, विचारों को ठीक करना और कुछ नहीं, विचारों को सही कर लो तो ठीक हो जाएगा। और मेरा तो बताने का मतलब है सदा के लिए पार हो जाने का, तो पार होने के लिए आप अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए अलग है नाम की ज़रूरत है। नाम आपके अंदर बोल रहा है ये, और इसको जानना हो तो यहाँ से जान लो, इधर से पेंट है, इधर इधर इकट्ठा ध्यान करोगे दुनिया बन जाएगी, दुनिया की दो चीज़ चाहोगे मिल जाएगी, सथूल चीज़ जो चाहते हो मिल जाएगा, और थोड़ा मत है के बीच में ध्यान करोगे तो जो कुछ ज्ञान चाहते हो आपको ज्ञान हो जाएगा, वो इस लोक का या वाही लोक का वो ज्ञान आपको हो जाएगा। पर उस उसको अगर जानना चाहते हो तो वो जो रिसर्च करते हो वो ये विज्ञान यहीं तक आ रहे, सुनो वैज्ञानिक बस यहाँ तक पहुँचे, वो ओम के स्थान तक, ओम के स्थान इकट्ठे होते हैं, उनको जो चीज़ जानना चाहते हो आगे उत्तर मिल जाए ऐसे कर दो। तो आपका तो आगे तक का है, फिर आगे तक चलोगे थोड़ा मस्ती खुशी है, थोड़ा प्रकाश आ जाता है, चांद जैसी चांदनी होती है, और थोड़ा आगे जाते हो जबरदस्त प्रकाश आ जाता है,
और बड़ा आनंद देता है आत्मपद है वो। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हो हजारों सूर्य जैसा प्रकाश आ जाएगा। किन का? जिनका ब्रह्मचर्य ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ये भी एक ज्ञान है कि हम यहाँ पर आए ब्याह शादी करते हैं किस काम के लिए करते हैं? संतान उत्पत्ति के लिए। तो पहले बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई करें 20-25 साल तक अच्छा तरीके रखें। लड़के लड़कियाँ जाते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो उनको ये ज्ञान नहीं देता राम रमैया का। मैं कहता हूँ तुम चरित्र ठीक रखना, बेटियों को बेटों को बच्चों को बताता हूँ कि तुम चरित्र ठीक रखना अपना। तुम चरित्र अच्छा रखोगे तो बड़े आदमी बढ़ोगे, अच्छी विद्या ग्रहण करोगे। घर वालों को पढ़ने के लिए भेजा तुमको या नहीं? आई लव यू यहाँ पर फंस जाओगे, किसे प्यार करिए, किसी की लड़की होगी किसी शादी कर लोगे फिर झगड़ा चालेंगे, आजाद में शादी कर लोगे संस्कार नहीं मिलेंगे लड़ेंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री अपनी बाबा ऐसे कर ली जबरदस्ती, बाप फिरोज गांधी से प्यार करने लगे, नेहरू करने लगे मैं तो नहीं ब्याहूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ और ये इसके यहूदी को नहीं ब्याहूंगा, नहीं वो इनकार कर गया तो नहीं खड़े होगी घर में। तो गांधी जी जो थे उसने पंचायत के लिए बोला था चल तेरे अगर नहीं होता तो मेरे गौतम घाट दो लड़की को गांधी बना देता हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने गौतम की शादी तो कर दी पर पूरी उम्र से जूता बाजा उनका, बहुत बुरी तरह लड़ते, बुरा बुरा अखबारों में निकालता वो, और आखिरी जो गति हुई वो आपने देखा है। क्योंकि बात यह जो अजातीय काम करते हैं जो माँ बाप इस काम के लिए नहीं भेजते कि तुम जाके प्यार कर लेना उधर पति पत्नी चुन लेना, माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करो तो बच्चों को वो शिक्षा देता हूँ। तो चरित्र जिसका ठीक नहीं होगा वो कुछ नहीं होगा। इसे चरित्र ठीक होगा तभी आप अंदर प्रकाश सो सूर्य देखोगे। अगर वो ब्रह्मचारी आपका खोदोगे कामुकता से तो आपको नहीं आएगा कुछ चिंता फिकर डर थोता हो जाएगा, माता चरित्रा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा आएगा, आड़सक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा कुछ, वो चीज़ रह सकती वो जब तक रहेगी तो उमंग रहेगी आपको काम करने की, ये करने की, वो करने की। इसे ब्रह्मचारी की जिंदगी है तो वो आप बूनी को ही प्रकाश आता है। और जिसको साधन करना है वो ब्रह्मचारी का पालन करो अभी, पहले नहीं कराया ठीक है, बच्चे हो गए 2-3-4 करने से हो गया आपका, और उसके बाद उसका रखो तो आपके अंदर उमंग रहेगी। मौत तो आएगी लेकिन बूढ़े नहीं होगे, उमंग रहेगी, हौसला रहेगा आपके अंदर और वो शक्ति उसकी है, उसका ज्ञान है। हर एक आदमी का ज्ञान, आदमी सोचता है खीरखंड है, वेस्टर्न कंट्री तो कहते हैं व्हाट इज अदर चार्म, वो पूछते और चार्म क्या है, और चार्म है इधर ध्यान कर प्रकाश को देख, सफ़ेद रंग का प्रकाश को तेरी सूरत इतनी खुश रहेगी सारा दिन मस्त रहेगा बिल्कुल, और उमंग रहेगी पूरी। अगर 10 मिनट भी कोई प्रकाश का साधन कराता है सुबह और सत्संग सुन के तरह रहता है तो वो समझ लेगा सारा दिन शेर की तरह रहता, खुशी उमंग हमेशा स्मैलिंग फेस, गुस्सा का नाम ही नहीं आता। तो प्रकाश वो आपके अंदर है, सबके अंदर, कहीं बाहर से नहीं जाना, और उसका साधन करो। तो यहाँ तक तो माथे के बाढ़ मिलते हैं, यहाँ तक सत्यों को बता दी, इतने तक बताते यहाँ तक साधन करते हो सब कुछ रिद्धि सिद्धि बड़े संत सब कुछ बन जाओगे, लेकिन फिर दोबारा मरोगे, फिर जन्मोगे, 84 के चक्कर मरोगे। 84 के चक्कर से निकलना तो उसके आगे साधन है, वो आगे बच्चा छोटा होता है टिप टिप करता देगा अगर इसे रही इधर, इस जगह से ध्यान बनता है, इस जगह वो राम नाम आ जाता है। वो राम नाम क्या धुनात्मक है, कैसी धुन है, मिट्टी बहुत स्वीट वॉइस है वो आ जाती है, और सुनने वाली ये बोल रहा नहीं या चीज़ उसको सुनती है, इसको सुरत कहते हैं। या सुनते सुनते फिर चलते चलते जब चोटी के पास पहुँचेगी तो डीप स्लीप, जैसे गहरी नींद आती है कि नहीं, चौथी समाधि लग जाएगी और फिर होश आएगा, फिर आपको जो सत्संग देने वाला पूरा बैराग करा देगा यहाँ से और बोलेगा जब तक जीते जीवित मुक्त अवस्था में हो। तो जीवित मुक्त अवस्था आदमी की क्या हालत है, वो जिधर देखता उधर वही नज़र आता है। अब मैं इधर आया हूँ तो मेरे को आप वो परमात्मा जो है वो आप में नज़र आ रहा है सब में, जो जीवित मुक्त अवस्था में जो रहता है इस हालत में तो उसको सब में परमात्मा है, परमात्मा सब उसका खेल है, सब उसका ड्रामा है, और नाचते हैं सुरते हैं अलग अलग खेल कर रही, लेकिन उसकी नज़र में सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसको हिंदू धर्म में कहा गया है एक को ब्रह्म दुत्ते नास्ती, वो ब्रह्म एक ही है और कुछ नहीं है। और मुसलमानों ने कहा है ला इलाही इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, वो है उधर। तो वो उसका ध्यान जो हो जाता था आप जीवित मुक्ति अवस्था में रहते हैं, और जब शरीर छोड़ोगे प्रारंभ चूक जाएंगे उस दिन फिर आप तो वो साउंड जो है ना अंदर की धोनी राम नाम वो खींचते थे वापस नहीं आओगे। ये आखिरी का ये पूछ नहीं आए थे, ये मैं बता रहा हूँ जबरदस्ती कमला रखा है तो बता दो सबकी बात। तो सब कुछ आपके अंदर है बेटी और भाइयों, रिद्धि सिद्धि के भंडार हो और कोई कमी नहीं है, कमी अज्ञान की है जो मैं बता दी। तो घर गृहस्थी है ना हम लोग, इसे घर ने स्वर्ग बना लो, स्वर्ग नहीं सुख, उसमें चिंता फिक्र आपस में ईर्ष्या द्वेष मत रखो, सेवा करो। अगर बाकी जो नहीं आए हैं तो वो तो नहीं करेंगे बेचारे, अब सत्संग आए वो तो सुन रहे हो ना, आप अपने बना लो चलो जाओ। अब छोटा नुकता है, आप फर्ज करो आपकी सास नहीं मानती तो उसको माफ़ कर दोगे, इसका इनके बस की बात नहीं, इनके संस्कार ही ऐसे क्यों आपकी सुनती नहीं बात।
अरे तो मैं माता दी ये कर दूँ, आपका ये कर दूँ, उसको नहा दो, उसका कपड़ा धो दो, सब कुछ कर दो, वो खुश हो जाएगी। सेवा उसके लिए मेवा है, सेवा करो, कोई अच्छी चीज़ ला के दो, क्या चीज़ खाओ मैं ला दूँ, तो राजी होगी आपको। उनको राजी रखोगे तो आपको बुरा नहीं सोचेगी, वह कम से कम अच्छा सोचेगी। तो उनसे आशीर्वाद लेते जाओ, आप बन जाओ, आप बना तो जग बना। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, पति का कर्म पति के साथ जाएंगे, बेटे का कर्म बेटे के साथ जाएंगे। आप अलग अलग आए हैं, हम लोग आके इकट्ठे हुए नहीं, इधर कोई लेने देने के लिए इकट्ठे हुए, कोई पक्का नहीं है, ऋण विशेष रहा है, और देने देने के लिए आए, कोई तो सुख देने के लिए आया। जो पत्नी ने ऊपर दुख दिया तो वह दुख दे दिए आगे, पति ने दुख दिया तो वो दुख देगा, बेटे ने दुख दिया तो वो दुख देगा। कोई सुख देना है, कोई दुख देना है, लेने देने का चक्कर है यहाँ पर, जो लेने देना चूक जाएगा सब चले जाएंगे यहाँ से। आई समझ में?